Madame et Monsieur, bonjour. Good morning, ladies and gentlemen. आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अ के बारे में. मे बी आप लोगों में से काफी लोगों को इसके बारे में पता हो और ये भी पता हो कि इसका यूज कैसे करते हैं. और जिन लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है उनको मैं ये बताना चाहती हूँ, ये जो अ है इसका मतलब क्या है. ए और एन हिंदी में क्या बोलते हैं? एक. जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ना, एन एप्पल, अ बॉय, अ गर्ल एक्सेट्रा, उसी सेंस में हम लोग फ्रेंच में क्या यूज करेंगे? अ. अ. Now look at these examples. Un garçon. Un œuf. Un petit ami. Un père. एक बार दोबारा से देखो. अं गार्सन इसका मतलब क्या है? अ बॉय, यानी कि एक लड़का. नेक्स्ट देखिए, अ नव इसका मतलब क्या है? अ नेफ्यू, यानी कि एक भतीजा. आगे देखिए, अं फितितामी इसका मतलब क्या है? अ बॉयफ्रेंड. अं पैर इसका मतलब क्या है? अ फादर. अब आप ध्यान से देखना और एक बात को नोटिस करना कि ये जो मैंने वर्ड्स लिखे हैं इनकी एक खासियत है, वो क्या है? ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है? मैस्कुलिन है. ओके, यानी कि पुलिंग है. इसी वजह से मैंने इनके साथ क्या लगाया है? अ. लेट्स प्रैक्टिस सम मोर वर्ड्स. अ टेलीफोन. अ वन. अ फुटबॉल. अ सिनेमा. BA. Un dictionnaire. Un café. Un jardin. Un musée. Un salon. तो अब आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा ये जो वर्ड्स हैं इनके साथ मैंने अं क्यों लगाया है, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? मैस्कुलिन हैं, यानी कि पुलिंग हैं. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, वो क्या है? लुक एट दीज एग्जांपल्स. अमी, एतुदियों, इंजीनियर, वाजो, Ukrainian. Oh hello, ऐसे नहीं बोलना है. फ्रेंच में क्या है, अगर स्टार्टिंग वर्ड क्या लगा है? अ लगा है. उसके बाद अगर नेक्स्ट मेरा वर्ड वॉवल से शुरू हो रहा है, यानी कि ए ई आई ओ यू से शुरू हो रहा है, तो मैंने क्या करना है? इसको ज्वाइंट करके पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है. वो कैसे? देखिए, अनामी,
Anirudhiyum I'm engineer. Un oiseau. Un Ukrainien. तो अब आप लोगों को क्लियर हुआ, मैंने अनामी नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है, अनामी। उसके बाद देखो, मैंने अनिदुदियों नहीं बोला है, मैंने क्या बोला है, अनिदुदियों। अब ऐसा करो, कुछ और एग्जांपल्स भी ट्राई करो। ओके गाइस, आर यू रेडी टू रिपीट आफ्टर मी? लेट्स स्टार्ट। आशिया, आशा, असांज, मूतों, फीस। सक, कुतो, प्लाटो, लिवर, वेलो, सालो, moi, visage, nez, pantalon. तो आज के लेसन की समरी इतनी ही है। जो इंग्लिश वाला ए है और एन है तो उसको फ्रेंच में मैं क्या लगाऊंगी, अं, ओके? इसका मतलब क्या है, एक, अगर क्या है, मैस्कुलिन है। अब आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और वर्ड्स भी दिए हैं। अब आपने पता क्या करना है, ऊंची ऊंची बोल बोल के उसको प्रैक्टिस करना है, तो पक्का पता है मुझे आपको फ्रेंच जरूर आएगी। Okay guys, so don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Bye!